नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे सीएम नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच के संबंधों के बारे में। बिहार के मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड का रिश्ता महाराष्ट्रीय महागठबंधन यानी कि एनडीए से तोड़कर एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी और कांग्रेस के साथ सरकार बना ली है। एक तरह से कह लें कि नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़कर महागठबंधन के साथ अब जो है सरकार बनाने का फैसला किया है, यानी कि मुख्यमंत्री के रूप में दोनों ने शपथ ले लिया है। अब जो है कैबिनेट का विस्तार होना है। पाला बदलते ही नीतीश कुमार को लेकर अटकलें लगने लगी है। वह 2024 में प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार हो सकते हैं। खुद नीतीश कुमार सीधे तौर पर इस बात को स्वीकार तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह विपक्ष को एकजुट करने की बात कर रहे हैं उससे संकेत मिलता है कि वह मोदी विरोधी राजनीति के धुरी बनना चाहते हैं, यानी कि केंद्र में आना चाहते हैं। मोदी के लिए चुनौती का ऐलान। नीतीश कुमार ने यह कहकर सीधे तौर पर पीएम मोदी को चुनौती देने की कोशिश की है कि जो 2014 में आए थे वह 2024 में रहेंगे कि नहीं। उन्होंने पीएम मोदी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में यह जरूर कहा है कि 2014 में पीएम बनने वाले मोदी के लिए 2024 में वह रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे। नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि उन्हें कई जगहों से फोन आ रहे हैं और वह विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश करेंगे। जदयू चीफ ललन सिंह ने भी कहा है कि यदि विपक्ष बिहार, झारखंड और बंगाल में 40 सीटें बीजेपी की कम कर दे तो मोदी को बहुमत की जादुई आंकड़े से पीछे रोका जा सकता है। नीतीश कुमार से लेकर ललन सिंह तक को जो दावे कर रहे हैं उसमें कितना दम है वह 2024 के लोकसभा चुनाव के काउंटिंग के दिन यानी कि गिनती के दिन ही पता चलेगा। फिलहाल जिक्र नीतीश कुमार के उस भविष्यवाणी की हो रही है जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी को लेकर 2013 में एक बड़ा बयान दिया था। तब रेल मंत्री थे नीतीश कुमार ने गुजरात के कच्छ में एक सरकारी कार्यक्रम के शिरकत करते हुए उन्होंने कहा था कि वह 11 साल बाद 2014 में सच साबित हुई थी। नीतीश कुमार ने तब कहा था कि मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत दिन गुजरात के दायरे से सिमट कर नरेंद्र भाई नहीं रहेंगे, देश को उनकी सेवाएँ मिलेगी। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने ही शायद सबसे पहले मोदी को पीएम मटेरियल की पहचान कर ली थी, क्योंकि उस समय उन्हें गुजरात की गद्दी पर बैठे ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था। नीतीश कुमार का मन नरेंद्र मोदी को लेकर बार बार बदलता रहा है। कभी खुलकर तारीफ और कभी कट्टर विरोध के रूप में नीतीश कुमार सामने आते रहे हैं। साल 2002 के गुजरात दंगे के एक साल बाद ही उन्होंने जहां 2003 में पीएम मोदी की तारीफ की, उन्हें भाई संबोधित किया, तो 2013 में मोदी के साथ तस्वीर पर ऐसे भड़के कि दोनों एकदम से अलग हो गए। लेकिन वह फिर एनडीए के साथ आए और कई मौक़ों पर खुलकर पीएम मोदी की उन्होंने तारीफ भी की। अब एक बार फिर से मोदी का रास्ता रोकने की वो कोशिश में जुट गए हैं और एक बार फिर से बिहार में उन्होंने एनडीए से अपना गठबंधन तोड़ महागठबंधन के साथ अपना साझा कर लिया है, जिसके बाद से उन्होंने एक बार फिर 8वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और बहुत ही जल्द उनके कैबिनेट का विस्तार भी होने वाला है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।